आज खड़े होते सबसे पहले कर रही हूँ मैं मंदिर की सफाई, क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी और आज बप्पा आने वाले हमारे घर पे, तो मैं इसीलिए मंदिर की सफाई कर रही हूँ सबसे पहले। बाकी का काम बाद में शुरू करूँगी। चाय पीने के बाद मैंने मंदिर की सफाई स्टार्ट कर दी है। ये हो गई मंदिर की सफाई और मंदिर कितना क्लीन हो गया है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा मत करना, समझ रहे हो? दोनों चुप से बैठ के खा लेना। क्या कह रहा? करूँगा। तो क्या बोला? खोलना है। दीदी खोल देगी। स्वीटी खोल के दे दे इसको। ये दोनों गणेश जी की मूवी देख रहे हैं। मूवी है ना कि कार्टून है? आज गणेश चतुर्थी तो मूवी देख रहे हो ना। इधर मैंने कपड़े वॉश करके सुखा दिए। धूप बहुत तेज हो रही है आज। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए, दोनों बालकनी में सुखाए मैंने। धूप भी बहुत अच्छी हो रही है। और ये कल लेके आई थी मैं कबूतर के लिए, तो ये पानी रखा है और खाना तो उन्होंने खा लिया है, थोड़ा सा बचा है, सारा खा लिया। मॉर्निंग में जल्दी आके खा लेते हैं। इधर ये मेरा एलोवेरा बहुत बड़ा हो गया है। हाय एवरीवन, आप सब कैसे? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हैप्पी गणेश चतुर्थी। और इधर स्वीटी तैयार हो रही है क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं। और वो जो कल आसन लेके आए थे ना, तो आसन थोड़ा सा छोटा, हल्का सा, इतना सा छोटा है, उसको चेंज करवाना है। और जब मैंने गृह प्रवेश किया था ना, उस टाइम गणेश जी की मूर्ति लेके आए थे ना, तो वो छोटी सी थी, वो तो लेके आए थे तो उसको तोड़ दिया है। तो अभी मेरे को आज गणेश चतुर्थी भी है, तो मैंने इतने दिन से सोच रखा था कि जब गणेश चतुर्थी होगी ना, उस टाइम मैं न्यू लेके आ जाऊँगी। तो आज मुझे गणेश जी की मूर्ति भी लेनी है, तो मैं बस ऐसे ही ले रही हूँ मंदिर में रखने के लिए। गणेश जी की मूर्ति मैं विसर्जन वगैरह नहीं करूँगी, बस ऐसे रखने के लिए ले रही हूँ। वो वाली तो मैंने मंदिर में रख दी है, जहाँ रखना चाहिए वहाँ पर रख दिए मैंने। और अभी और मिठाई भी लेनी है। अभी स्वीटी में जा रहे हैं, तो स्वीटी बाल बना रही है अपने। और जो कुछ भी करूँगी वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और दोनों नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत परेशान करेगा। और अभी आपको आवाज़ आ रही थी पीछे से कि शोर शराबे की, क्योंकि नीचे गणेश को लेके आए ना, तो ढोल वगैरह से लेके आए हैं, अच्छा स्वागत कर रहे हैं नीचे, उसकी आवाज़ बहुत आ रही है। और इसको मैं मोबाइल देख के जा रही हूँ, मोबाइल देखे कि आप स्वीटी हम दोनों जाके आ गए। स्वीटी चले क्या? नहीं, हम जाके आई रहे, ठीक है, कि मंदिर चलेंगे। ओके ओके, अभी ये ले लेती हूँ मैं, इसको चेंज करवाना है। स्वीटी आ गए स्वीटी हम दोनों नीचे। गोनू को छोड़ा है क्योंकि वो परेशान बहुत ज़्यादा करता है, तो फिर उसको लेना सेट नहीं होता, फिर पता नहीं अभी हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो वो भी परेशान हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो कल मंदिर के लिए आसन लेने लेके आई थी, उस शॉप पे आई हूँ। और थोड़ा सा छोटा है तो अंकल देख रहे हैं, पर अंकल को नहीं मिला। उससे बड़ी साइज थी नहीं उनके पास, तो फिर मैंने वही ले लिया था। वो लेने के बाद फिर मिठाई के शॉप पे आ गई थी। आज का दिन ही ख़राब था ना, तो आसन चेंज हुआ ना, मुझे मिठाई चाहिए थी, वो मोदक चाहिए थे वो मिले, क्योंकि ख़त्म हो गए, लेट गई थी मैं। तो मोदक के लड्डू नहीं मिले थे, सिंपल से मिले थे मोतीचूर के लड्डू, फिर वो लेके आई थी। फिर सबसे लास्ट में आई हूँ मैं बप्पा लेने के लिए। और स्वीटी पसंद कर रही है, स्वीटी की पसंद का ही लेना है, क्योंकि स्वीटी को बहुत ज़्यादा पसंद है बप्पा, तो उसको बोल रही हूँ। अब वो देखती है कौन सा लूँ, कौन सा। और ये इतने से बच्चे हैं, कल आई थी तब बहुत सारे थे, बहुत प्यारे प्यारे थे, पर आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, सारे बप्पा लेके चले गए। अब इतने से, इसमें से स्वीट देख रही कौन सा वाला लेंगे। और हमने ले लिया है बप्पा, और मुझे माला लेनी थी बप्पा के लिए, तो माला ले ली मैंने, फूल माला।
और अंकल पैक कर रहे थे जब तक मैं माला लेने चली गई थी, माला लेके आ गई हूँ और ये पैक कर रहे हैं पापा को। और मैं रेड कपड़ा लाना भूल गई, कपड़ा लेके नहीं आई थी। वैसे भी मुझे मंदिर के लिए चाहिए, मुझे उस तरीके से नहीं ले जा रही हूँ कि विसर्जन करूँ, मैं इनका विसर्जन भी करूँगी क्योंकि हम लाते तब कितना खुश होते हैं पापा को, विसर्जन करना हो तो स्वीट के लिए लिया है स्वीट, मैं नहीं चाहती हूँ स्वीट ही दुखी हो विसर्जन करें तब, तो मैं बस ये चाहती हूँ पापा हमेशा मेरे घर में ही रहे, मैं विसर्जन नहीं करूँगी, बस इनकी पूजा करेंगे और घर के अंदर ही रखूँगी। आ गए हम घर पे और मैं पूजा की थाली लेने के लिए अंदर आ गई हूँ और मुझे नहीं पता किस तरीके से पूजा करनी है, मैं बस मेरे मन से कर रही हूँ, जो जितना मुझे आता है उतनी मैंने अपने तरीके से किया है। सबसे पहले तो ये वाले पप्पा है बहुत क्यूट से, और स्वीटी के फेवरेट, कल भी उसने यही पसंद किए थे और आज भी वही, और स्वीटी देखो, स्वीटी को देख के लग रहा हो कितनी ज़्यादा खुश है। तो अभी मैं इनकी पूजा करूँगी, पप्पा का स्वागत करूँगी कि हमारे घर में आए और खुशियाँ लेके आए, और अभी मैं आ गई पूजा करने के लिए। मुझे जैसे जैसा सही लगा वैसे वैसे मैंने पूजा करी, और जैसे मुझे पूजा करना आता है मैंने उस तरीके से कर दिया। सबसे पहले पप्पा के मैंने तिलक लगाया और पप्पा के साथ में स्वीटी का भी किया वेलकम मैंने, उसके बाद स्वीटी के लगा रही हूँ अभी मैं। जिस तरीके से मंदिर में पूजा करती हूँ मैं उसी तरीके से पापा का स्वागत भी उसी तरीके से किया था मैंने। और बाबू को इससे कोई मतलब नहीं, बस वो मोबाइल ले लिया उसने, और जब से मैं पापा को लेने गई तब से वो मोबाइल ही देख रहा है, उसको कोई एक बार आके भी उसने नहीं देखा है कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उसने मोबाइल के अंदर से नज़र ही नहीं हट रही है, बस मोबाइल के अंदर बिजी है। इधर मैं पूजा कर रही हूँ, पूजा आरती कर रही हूँ, ये हो गए मेरे पापा का स्वागत अच्छे से। अभी मैं माला पहना देती हूँ पापा को, माला पहनाना भूल गई, सबसे पहले माला ही पहनानी चाहिए थी, तो चलो कोई नहीं जैसा आता है वैसा कर रही हूँ मैं। गलती से मैं नीचे डालने वाली थी, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी वैसी है, थोड़ी सी डाउन, सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को। चलो अच्छे से हो गया पापा का वेलकम, और अभी चलो मंदिर में पापा को लेके चलते हैं। स्वीटिंग जीत करी थी पापा को मैं ही लेके आऊँगी अपने हाथों में, वो शॉप वाले अंकल भी बोल रहे थे किसको लेना स्वीटी का, मैं ही लेके जाऊंगी पप्पा को। मैं सोची थी स्वीटी नहीं ले जा पाएगी, मुझे थोड़ी पप्पा की मूर्ति थोड़ी बड़ी है ना, तो चलो कितने क्यूट लग रहे हैं ना पप्पा, किसी की नज़र ना लगे मेरे पप्पा को। अब हो गया अच्छा सा स्वागत पप्पा का, और स्वीटी अब मिठाई खिलाएगी और मुँह मीठा करेगी, और जो मुझे चाहिए था मोदक वो नहीं मिला है, तो कोई नहीं लड्डू से मुँह मीठा करवा देते हैं। और इस तरीके से किया मैंने अपने पापा का वेलकम, और आपने किस तरीके से किया वो भी आप कमेंट्स करके बताना। पापा का वेलकम भी हो गया है, गोनो अभी तक नहीं आया, अभी तक वो मोबाइल में ही लग रहा है, बस मोबाइल देख रहा है इंजॉय से। स्वीटी ने पूजा कर ली है और स्वीटी प्रे कर रही है, तो मैं स्वीटी को बोली स्वीटी पापा से बोलना आपके एग्ज़ाम है तो अच्छी सी तैयारी करवाए आपको एग्ज़ाम की। अभी वो थक गई तो दोनों पास जाकर बैठ गई, हवा ले रही है। पूजा करने के बाद अभी बच्चे खाना खा रहे हैं और खाना खाने के टाइम भी हो गया। गणेश जी का वेलकम करने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं पेन किलर खा के सो गई, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो फिर मैंने
पेन किलर ली, फिर सो गई थी। मैं सो के खड़ी हुई तब तक बच्चे बाहर घूमने चले गए। बच्चों को पता है कि मेरे सिर में पेन हो रहा है, क्योंकि नाइट में लेट सोई थी मैं, तो सिर में पेन हो रहा था, तो बच्चों को पता था। तो मुझे, मैं सो रही थी तब तक वो बाहर चले गए थे, और फिर उनको पता है सिर में पेन है, तो फिर वो खाना भी बाहर से लेके आ गए थे। मैं सो के खड़ी हुई थी, मैंने चाय बनाई थी, और चाय पीने के बाद बच्चों को खाना जो लेके आए थे उनको खाना खिलाया। फिर अभी बच्चों को माफ़ी खाना खा लो, तो मैं भी खाना लेके बैठी हूँ और थोड़ी देर के लिए टीवी देखती हूँ। और अभी पेन के लिए सिर में पेन से ही हो गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ी देर के खाना बनाना नहीं मेरे को, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए मैं उनको मंदिर लेके चली जाती हूँ। तो अभी मैं खाना खाऊँगी और देखती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ मंदिर जाने के लिए, और फिर मंदिर जाती हूँ, फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी वहाँ पर मैंने क्या क्या किया। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये रहा मेरा खाना, राइस तो सारा फिनिश कर दिया बच्चों ने, क्यों राइस फेवरेट है ना, तो ये राइस बिरयानी वगैरह कुछ है पता नहीं मेरे को, मैंने तो देखा ही नहीं, बस दे दिया था उनको, सबने मिल के खा लिया। और ये रहा पनीर, और ये चटनी, और ये प्याज सैलेड वगैरह, ये प्याज है, और इधर ये रोटी रही। ये भी मैं खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मंदिर आ गए थे, और ये रहा मंदिर, हमारा शिव मंदिर। और बच्चों को मैं हैंड वॉश कराने के लिए लेके जा रही हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे हर कहीं टच करते, बच्चों को पता नहीं चलता है क्या। अभी स्लीपर उतारते हैं तो नीचे बैठ के बाबू उतारता है, और ये आते ही पेट गया, फिर मैंने इसको खड़ा किया। अभी ये पूजा हो गई आरती के अंदर, पैसे रख रहा है, पैसे दिए थे मैंने इसको रखने के लिए, तो पैसे रख रहा है। इधर इनको प्रसाद मिल गया है, प्रसाद मिलते ही भैया ने इनकी बिंदी लगा दी, और फिर हम बाहर आए थे, नंदी जी के कान में एक एक करके विश मांग रहे थे, कहते हैं ना विश मांगते हैं, तो हम विश मांग रहे थे नेक्स्ट टाइम हम जब आए थे ना, तो हम गलत साइड से नंदी जी के कान में विश मांग रहे थे, तो पंडित जी ने बोला था नहीं इस तरफ बेटा, इस तरफ आप बैठ के फिर करो, तो नंदी जी आपकी बात सुनेंगे। तो हमने एक एक करके विश मांगी। बाबू क्या कह रहा था कान में पता है, बाबू बोल रहा था कि भगवान मुझे लॉलीपॉप चाहिए, लॉलीपॉप दे देना। तो पंडित जी कह रहे बेटा लॉलीपॉप नहीं मिलती है।